सीबीएसई कभी भी नहीं चाहेगा कि ये ट्रिक बच्चों को पता लगे। तो वो ट्रिक क्या है? तो आंसर है कि जो पेपर चेकर होता है, जो एग्जामिनर होता है सीबीएसई का, उनको पेपर चेक करने के दौरान एक मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट मिलता है कुछ इस प्रकार का। इस मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट के अंदर डिटेल में लिखा होता है कि कौन से स्टेप के कितने नंबर देने हैं, कहां पे कितने नंबर कटने चाहिए और नहीं। तो अक्सर हम लोगों के जो आंसर्स होते हैं उनमें आधा एक नंबर कट जाता है, पता भी नहीं लगता। तो कैसे पता लगाएं कि किसी भी आंसर को एक टॉपर की तरह कैसे लिखें, कैसे पता लगाएं कि हमारा आधा एक नंबर जो कट रहा है वो ना कटे, हम किस तरीके से आंसर को फ्रेम करें कि हमारे मार्क्स ना कटे? तो आंसर है, इसके लिए हमें ये जो मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट होगा वो मिलना चाहिए। अब ये मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट कैसे मिलेगा? तो एक किताब है एडुकार्ड पब्लिकेशन की, जो कि 10th और 12th के लिए अवेलेबल है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और इस किताब में आपको इस मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट को इन्होंने एक्सेस करके, पता नहीं कहां से इन्होंने एक्सेस करके चार्ट लाके दिया है, जहां पे बहुत सारे सैंपल पेपर्स को इन्होंने समझाया हुआ है, बहुत एक्सप्लेन तरीके समझाया हुआ है कि आधा आधा एक एक नंबर कहां कहां कट सकता है, जो नहीं कट।